हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 10, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 138। राइट हेडिंग इन योर नोटबुक, हुज टेल इज द लॉन्गेस्ट, किसकी टेल लंबी है। क्वेश्चन 1 करके लिखना है आपको। गेस हुज टेल इज द लॉन्गेस्ट, नाउ मेजर द टेल्स, हाउ गुड इज योर गेस। पहले हमें लेंथ ऑफ टेल गेसिंग करके बताना है, देन हमें पिक्चर में जो यहाँ पे दी हुई है ये मेज़र करना है। ठीक है, तो आपको टेबल बनाना होगा उसमें ऐसा कि एनिमल लेंथ ऑफ टेल गेसिंग सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ टेल पिक्चर में जो है वो और सेंटीमीटर। तो कौन से एनिमल्स है? रेड, लिजर्ड, मंकी, केट, डॉग और पिग। सो हम यहाँ पे देखो, ये तो आप कर सकते हो, गेस करो रेड की कितनी होगी। रेड की अंदाज से 2 सेंटीमीटर होगी, होगी। और लिजर्ड की कितनी होगी? शायद 1.5। मंकी की, मंकी यहाँ पे बैठा है, कितनी? शायद 2 सेंटीमीटर होगी। केट की कितनी होगी? केट की शायद 1.5 होगी। डॉग, डॉग की कितनी होगी? 1.0। और पिग की कितनी होगी? उसकी कितनी लग रही है? वो भी 1.5 जैसी लग रही है ना। देखो, तो हमने गेसिंग करके लिखा, तो जो लेंथ ऑफ टेल है जो हमें स्केल का यूज़ करके करना है। यहाँ पे सभी पिक्चर दिए हैं, आपको स्केल का यूज़ करके ये जो टेबल है वो फिलअप करना है। लेंथ ऑफ टेल ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। उसके बाद और आंसर लिखना है कि आपका जो गेसिंग है वो सही है या नहीं। उसके बाद हेडिंग डालनी है द लॉन्गेस्ट रुपीज नोट्स। ओके, उसमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रुपीज नोट, उसकी लेंथ क्या है? गेस नाउ मेजर इज यूजिंग अ स्केल। पहले गेस करो, देन स्केल का यूज करो। क्वेश्चन 1 करके लिखना है। नाउ गेस द लेंथ एंड वेथ ऑफ मेनी अदर थिंग्स, मेजर एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेजर एंड योर गेस। तो देखो, यहाँ भी टेबल दिया हुआ है, साइज ऑफ योर गेस इन सेंटीमीटर, लेंथ और वेथ योर मेजर इन सेंटीमीटर। हमें मेजर करके लेंथ और वेथ, 100 रुपीज़ की नोट, 10 रुपीज़ की नोट है, 20 रुपीज़ की नोट है, 5 रुपीज़ की नोट है, जो पोस्ट कार्ड आता है ना वो है, और मैथ्स मैजिक बुक की है। तो गेस करके मैं बता देती हूँ आपको, मेज़र करके आपको लिखना है, और डिफरेंस भी ये आपको लिखना होगा। और यहाँ पे तीसरा कॉलम है डिफरेंस इन सेंटीमीटर, लेंथ एंड वेथ। तो गेस करो कि 100 रुपीज़ की नोट कितने सेंटीमीटर की लेंथ होगी? तो शायद 15 की होगी, और वेथ उसकी 6 होगी। अगर हम मेज़र करते हैं तो इसका 15.7 आता है, और इसका आता है 7.3। तो 15.7 में से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा? 0.7। वैसे ही 7.3 में से ऐसे 7.3 माइनस 6.0 3.1, तो कितना बचेगा? 1.3। मैं यहाँ पे 1 या 2 कराती हूँ, बाकी के आपके ये होमवर्क में करने हैं। देन 10 रुपीज़ नोट गेसिंग में होती है, गेस करें अगर तो 12.5 और वेथ होगी 5। मेज़र करते हैं तो आता है 13.6 और वेथ आती है 6.3। तो हमें क्या करना है? 13.6 में से 12.5 माइनस करना है, 1.10। तो क्या आया? 1.1। और 6.3 में से 5.0 माइनस करना है 3.1, मतलब 1.3। वैसे 20 रुपीज़ की नोट 13.5 और वेथ 5, 5 रुपीज़ की नोट 11 सेंटीमीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर वेथ। पोस्ट कार्ड है उसका कितना है? 14 लेंथ है और 9 वेथ। ये हमें गेस करके लिख रहे हैं। मैथ्स मैजिक बुक, ये जो आपकी बुक है उसका अंदाज से 25 या और वेथ होगी 20,
तो ये जो मेज़र करना है ये आपको करना है, ठीक है। स्केल का यूज़ करके आप 100 की रुपीज़ की नोट लेना घर पे, देन 10 रुपीज़ की नोट, देन 25, देन आपके पास पोस्ट कार्ड हो तो वो भी लेना, और स्केल का यूज़ करके यहाँ पे सभी में हम लिखना है और इसका डिफरेंस लिखना है, मतलब माइनस करना। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो करवा दिए कि आप कैसे करोगे। ओके, तो बाकी का आपको ये होमवर्क में करना है। नेक्स्ट हेडिंग डालो एट द मार्केट, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट, और यहाँ पे सभी की प्राइस दी हुई है। हम जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पैसा डज एज मैच बॉक्स कॉस्ट। यहाँ पे मैच बॉक्स की कॉस्ट क्या है, 0.50 पैसा, तो आपको 0.50 रुपीज़ लिखो, और या 50 पैसा लिखो, ये आपका आंसर आ गया। हाउ मैनी मैच बॉक्स कैन बी गोट फॉर 2.50 रुपीज़ में, हम कितनी मैच बॉक्स खरीद सकते हैं, तो 50 पैसा है तो 1 रुपीज़ में हम खरीद सकते हैं 2, और 1 रुपीज़ में 2 तो 2 रुपीज़ में कितनी 4 हो जाएगी, और 50 पैसा धन है तो हम और 1 खरीद सकते हैं, मतलब 4, 5, 1 रुपीज़ में 2 खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे 2.50 है, 2 रुपीज़ होगा तो कितनी खरीद सकेंगे 4, और 50 तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो 5 होगा। देखो, वी कैन बाय 1 मैच बॉक्स फॉर 50 पैसा, सो वी कैन बाय 2 मैच बॉक्स फॉर 1 रुपीज, वी कैन बाय 4 मैच बॉक्स फॉर 2 रुपीज़ में 4 मैच बॉक्स खरीद सकते, दस वी कैन बाय 4 और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मैच बॉक्स फॉर 2.50 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट, सोप की कॉस्ट क्या है, 8.75 रुपीज़। अरुण वॉन्टेड टू बाय अ सोप, ही हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन, उसके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 1 रुपीज़ कॉइन एंड 4 हाफ रुपीज़ कॉइन, और 4 हाफ रुपीज़ के कॉइन है, राइट इन रुपीज़ वॉट मनी ही विल गेट बैक। तो देखो, हम देखते हैं पहले कि टोटल मनी उसके पास कितने हैं। टोटल मनी विथ अरुण 5 रुपीज़ का 1 कॉइन है, तो 5 × 1 प्लस 1 रुपीज़ के उसके पास 2 कॉइन है, 1 × 2 मतलब 2, और 4 रुपीज़ हाफ रुपीज़ के 4 कॉइन है, मतलब 4 × 0.5 करोगे तो 1 = 0.50 = 1, तो 4 = कितने होंगे 2, मतलब 0.50 × 4 करना है आपको। अगर ऐसा नहीं है तो 50 × 4 0.5 × 2 = 100, और यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो 2.00, 5 + 2 + 2 9 रुपीज़ है, और सोप की कॉस्ट क्या है, 8.75, तो हमें 9 में से 8.75 माइनस करना है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, 10 − 5 = 5, 9 − 7 = 2.0, तो 0.25 रुपीज़ या 25 पैसा। ओके, उसके बाद फिफ्थ का ए बनाना कॉस्ट 2.5 रुपीज़, 2.5 मतलब 2.50 हुआ। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट, तो यहाँ पे बनाना की कॉस्ट 2.50, 1 बनाना है, तो देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बनाना 2.50 है, 1.5 डजन बनाना, 1 डजन में 12 है, 1 डजन में 12 बनाना आता है, तो एंड हाफ में प्लस 6 करेंगे 12 का आधा, तो 18 बनानास होंगे। सो अब क्या करना है, 250 × 18 10 पॉइंट रख देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4500 आता है, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने हैं, तो 45 रुपीज़ आ गया। ओके, उसके बाद बी में पहले ये लिखना है, कन्नन टेक्स रुपीज़ 60 एंड बाय 1.5 डर्जन बनाना, यू कैन बाय पेन्स विद द मनी लेफ्ट, हाउ मेनी पेन्स कैन कन्नन बाय, हाउ मच मनी इज लेफ्ट, तो पेन की कॉस्ट क्या है, 6.50 रुपीज़ है, उसके पास 60 रुपीज़ है, उसमें से 1.5 डजन वो बनाना लेता है, और बाकी के ये बाय पेन्स विद द लेफ्ट मनी में से वो पेन लेता है, तो देखते हैं। चलो, अमाउंट कनन हैड 60 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन बनाना
कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की 1.5 बनाना की कितनी आई 45 रुपीज़। सो मनी लेफ्ट कितने होंगे 60 में से 45 माइनस कर दोगे 15 रुपीज़ बचेंगे। और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है 6.50। सो कॉस्ट ऑफ टू पेन की क्या होगी 2 मल्टीप्लाई 0 0 2 5 ज़ा 10 1 कैरी 6 2 ज़ा 12 और 1 13। और यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं टू डिजिट के पहले तो 13 रुपीज़ हुए। अब कॉस्ट ऑफ थ्री पेन्स का करते हैं 0 3 5 ज़ा 15 का 5 1 कैरी 6 3 ज़ा 18 और 1 17। तो टू पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद टू डिजिट है तो यहाँ भी रखते हैं तो 18 और 1 19 होगा, मतलब 19.50 रुपीज़। तो देखो उसके पास 15 रुपीज़ ही बचे हैं तो उसमें से वो टू पेन खरीदेगा या थ्री पेन खरीदेगा, ऑब्वियसली टू पेन ही खरीदेगा। सो कर्नन कैन बाय टू पेन्स फ्रॉम द अमाउंट लेफ्ट बिकॉज कॉस्ट ऑफ थ्री पेन इज बिगर देन रुपीज़ 15, क्योंकि थ्री पेन की जो कॉस्ट रुपीज़ है वो ज़्यादा है। सो अमाउंट लेफ्ट तो उसके पास कितने बचेंगे 15 में से 13 माइनस करोगे तो 2 रुपीज़ उसके पास बचेंगे। हेंस कर्नन हैड 2 रुपीज़ लेफ्ट आफ्टर बाइंग टू पेन्स। ओके द प्राइस ऑफ टू पेन्स इज कैन सी बाय टू पेन्स। हमने अभी फाइंड आउट की टू पेन की क्या करना है, वन पेन की 6.50 है तो टू पेन की मल्टीप्लाई करनी 6.50 मल्टीप्लाई 2 0 2 5 ज़ा 10 1 6 2 ज़ा 12 और 1 30 और यहाँ पे पॉइंट 13 रुपीज़। ओके सो इतना समझ में आ गया, इजी था, अच्छे से लिखना नोटबुक में। ओके थैंक यू।